खैरबाग, हम जब यहाँ है उन्होंने बोला कि आप रेड जोन से, हमने कहा नहीं हम रेड जोन से नहीं आए, एडमिट पहले किया है, हमारा इलाका खाली है। जब उन्होंने देखा नेट पर देखा कि नहीं ये रेड जोन इलाका नहीं है, ये गांव बिल्कुल फ्री है, तो उन्होंने कहा आप बैठो, कुछ गजन नहीं है, तो हम यहाँ बैठ गई। उसके बाद लगभग 3-4 बजे उन लोगों ने हमको निकाला है यहाँ से, यहाँ डॉक्टर चेक करने के लिए आप यहाँ से निकलो, हम बाहर निकल गए, खाली पेशेंट अंदर रह गया। तो पेशेंट को उन्होंने बोला आप रेड जोन से आई हो, आप महबूब से, आप रेड जोन से आई हो, आप कागज वागज दे दो, ये फाइल वाइल दे दो, आपको यहाँ इलाज नहीं होगा। उसके बाद हमने थोड़ा इनसे पूछा, हमने एसएचओ साहब लार्मी के साथ बात कराई, तब इन्होंने माना, लेकिन तब उन्होंने नहीं माना, लेकिन पेशेंट उसी तरह है जिस तरह से वहाँ से। अच्छा, मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट रेड जोन से आएगा तो उसका इलाज नहीं करना है, उसको मरने के लिए यहीं पे छोड़, उन्होंने उसको यहाँ नहीं पकड़ा है, उन्होंने कहा आप जहाँ यहाँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए जो आज वायरल हो गया है उसकी अभी तहकीकात होगी, मैं अभी आया, मुझे अभी पता चला, उसमें मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा और जो भी गलत होगा उसको जरूर हम सजा देंगे, लेकिन वो बात नहीं है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम हर किसी को एंटरटेन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वी आर मेंट फॉर देम, वी आर डॉक्टर्स, वी हैव टू ट्रीट देम, दे आर आवर ब्रदर्स, दे आर आवर सिस्टर्स, तो उनके लिए हमें उनके लिए काम करना है। अभी आपको रात ही का रेड जोन के साथ मिक्स नहीं करना है, और मेरी इस्तेदा है सब लोगों से जो भी यहाँ पे आएंगे अपना एड्रेस अच्छी तरह से बता दे, सच बता दे, झूठ नहीं बता दे, ताकि हम आपकी इस मुश्किल को दूर करेंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम ड्यूटी देते हैं, और डॉक्टर्स का ये काम ही है कि हम पेशेंट्स को देखेंगे। डॉक्टर तब तक डॉक्टर है ही नहीं जब तक वो पेशेंट नहीं देखेगा, अगर कोई डॉक्टर पेशेंट नहीं देखेगा उसको क्यों आप डॉक्टर बोलते हैं। इसलिए सब लोगों से आप आराम से बैठिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ पे हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा, जो भी इसमें मुलव पाएगा उसको जरूर सजा मिलेगी। थैंक यू। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीबुल इस्लाम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो चंद रोज पहले एक दर्द जैन में मुब्तला एक खातून जो खारपोरा इराके एक रेड जोन से आई थी, वो उसकी मौत हो गई, और उनके दो बच्चे जो बच्चे हैं वो उनकी भी मौत हो गई। तो उसके बाद वो अभी इंक्वायरी पेंडिंग भी थी कि दूसरा मामला जो MCH अनंतनाग का, वो सामने आ गया है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो तीमारदार है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डॉक्टरों के, उनको डिस्पाइट बींग इन अ ग्रीन जोन, वो ग्रीन जोन में रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल अनंतनाग में जो है कि उनके डॉक्टरों को कहा गया, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप रेड जोन से हो लेकिन हम ग्रीन जोन से है। इस मामले को जब हमने इस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो जच्चा बच्चा अस्पताल है तो उनके सामने जब ये मामला लाया तो उन्होंने कहा कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे। 2-3 मामले सामने आने के बाद भी जिला इंतजामिया अभी तक कुछ फैसला नहीं ले पा रही है कि इस मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को या तो वो यहाँ पे इसे रेफर करे, या तो रहमत आलम ले जाए, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग जंगलात मंडी पे ले जाए, और यहाँ की जो लोगों की जो दीनी मांग जो है, जो पेंडिंग डिमांड्स है लोगों की, वो पूरी हो जाए। अनंतनाग से मुनीबुल इस्लाम, कश्मीर ग्राउंड के लिए।